न्यूज एज इन इंडिया के महापोल में कांग्रेस को हरियाणा में बहुमत मिलने के आसार, लेकिन बीजेपी ने भी किया सरकार बनाने का दावा। 8 अक्टूबर को न्यूज एज इन इंडिया पर देखिए सबसे तेज और सटीक नतीजे। जम्मू कश्मीर के महापोल में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान। पीडीपी और निर्दलीय हो सकते हैं किंग मेकर। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने किया पलटवार, कहा क्या यही बीजेपी का सबका साथ सबका विकास है। महाराष्ट्र के थाने में पीएम ने महाविकास अघाड़ी पर समाज को बांटने का लगाया था आरोप। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हिमाचल के संजौली मस्जिद की 3 मंजिल पाई गई अवैध, नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने सुनाया फैसला। 3 अवैध मंजिल को गिराने के लिए 2 महीने का दिया था समय। न्यूज एटीन इंडिया से कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अवैध निर्माण संबंधी ऐसे अन्य मामलों में भी सरकार तेजी लाएगी। आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि इसको हम और मैटर्स में भी इसी तरीके से एक्सपेडाइट करने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में नाबालिग लड़की का शव मिलने से मचा बवाल, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी कोलकाता की सड़कों पर उतरी। दिल्ली मार्शल मामले में सियासी पारा हाई, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पकड़े बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के पैर। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवाएं समाप्त करने के आरोप लगाए। आज दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल लगाएंगे जनता की अदालत, पिछली बार जंतर मंतर पर लगाई थी जनता की अदालत। इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने किया ऐलान, ईरान के हमले का इसराइल देगा जवाब। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर भड़के, कहा कि कोई नहीं देगा साथ तो भी इसराइल लड़ेगा अपनी लड़ाई। लेबनन के बेरूत में जारी है इसराइल के हवाई हमले, युद्ध के बीच में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज एटीन इंडिया। लेबनन के वॉर जोन से देखिए रुबिका लियाकत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज एटीन इंडिया इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद है। क्रिकेट का आज सुपर संडे, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज ग्वालियर में। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया की टक्कर पाकिस्तान से। पतंजलि